दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 1 अक्टूबर 2021 को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पुनः अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्वराशि कन्या राशि में वापसी कर रहे हैं। तुला राशि में वर्तमान में इनका गोचर है, वहाँ पर ये वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर के इनकी पुनः वापसी हो रही है कन्या राशि में, अपने घर में। कन्या राशि में वापसी ये बेहद खास मानी जाती है और बेहद खास हो जाती है, क्योंकि विशेष और बेहद खास परिवर्तन है ये। यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2021 तक ये गोचर रहेगा कन्या राशि में बुध का। बुध जो कि ज्योतिष में युवराज माने जाने वाले ग्रह हैं और कन्या राशि उनकी खुद की राशि है, खुद का घर है, तो वहाँ पर बहुत प्रबल अवस्था होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1 जून 2021 से मिथुन राशि में अस्त हो गए थे, अब ये बड़े समय के बाद में उदय हो रहे हैं। 16 अक्टूबर 2021 को ये उदय हो जाएंगे कन्या राशि में। बीच में ये 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में पुनः वापसी करेंगे, 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये बुध का गोचर कन्या राशि में, बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल, किस प्रकार का प्रभाव 12 राशियों के लिए देने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों यह गोचर फल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, संवाद के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, जो आपके मिठास के कारक हैं, आपके मार्केटिंग से संबंधित कार्यों के कारक हैं, वाणी से संचालित कार्य या संचलित कार्य जो भी हैं, जो भी सुचारू रूप से आपके कार्य चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, वो बुध के ही द्वारा हैं। प्रकाशन, लेखन इत्यादि के कार्य भी बुध के ही द्वारा हैं। तो बुध जो कि प्रत्येक क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव, अपना आधिपत्य स्थापित करता है, रखता है, तो उसका प्रभाव जब वो राशि परिवर्तन करता है, जब वो अपने लिए कुछ परिवर्तन करता है, वो कुछ भी नक्षत्र परिवर्तन करता है, उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, जब गोचर में घटना करता है, कुछ भी घटना होती है, तो निश्चित रूप से आपके और हमारे जीवन में यानी 12 राशियों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा इस परिवर्तन से, आइए जानते हैं। एक बात और बता दें, बुध सच्चे प्रेम के भी कारक हैं, तो सच्चे प्रेम में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा, आपकी लव लाइफ के भी बुध कारक हैं। वो लव लाइफ जो बेहतरीन, एक बेहतरीन स्थिति खोजती है, वो लव लाइफ जो आकर्षण का केंद्र नहीं बनती है, जो केवल और केवल दिल से प्यार करती है, वो लव लाइफ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो बुध के आधिपत्य में आती है। और लव मैरिज इत्यादि को लेकर के भी बुध ही आपको एक ध्यान केंद्रित करवाते हैं, आपके पार्टनर से कमिटमेंट दिलवाते हैं। सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पर आप ये वीडियो देखें, नीचे आप टाइम स्टैम्प कुछ ना अपना, जहाँ से आपका वीडियो शुरू हो रहा है, आपका मेष राशि का या जो भी राशि का, वो टाइम लिख दें जिससे और लोगों को आसानी हो, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लिख दिया जाए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो ये परिवर्तन बेहद खास है, खास करके लोन इत्यादि पास करवाने के लिए, लोन इत्यादि पास हो सकता है आपका। आपको अगर लोन की आवश्यकता थी लेकिन आपका समय निकल गया था, आपको एक मौका मिला था, वो मौका आपसे निकल गया था, आपको वो मौका दोबारा मिलने वाला है। कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा, कर्ज अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उससे निवृत्त होने का मौका मिलेगा, कुछ कर्ज से संबंधित परेशानी है तो उससे राहत मिल जाएगी। आपके लिए आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी लेकिन वो कठिनाइयाँ आप में, वो कठिनाइयों में जो आनंद आएगा ना, आपको जो मिलेगा वो लाजवाब होगा। खर्चे अधिक होंगे, खर्चे होंगे तो उससे निश्चित रूप से आप कमाई भी होगी, तभी खर्चे होंगे तो आपके लिए धन के, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। और आपके लिए स्थिति ये भी है कि बहुत अधिक मात्रा में इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। बिजनेस में खास करके अगर बिजनेस आपका
लेखन का कार्य करते हैं, लेखन से संबंधित बिजनेस है, प्रकाशन से संबंधित बिजनेस है, या मार्केटिंग है आपका, मार्केटिंग क्षेत्र से आपका करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। लव लाइफ में खराब स्थितियाँ रहेंगी। लव लाइफ के लिए थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो जाएंगे, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ जाएंगे और उससे बातचीत करते हुए नजर आएंगे, या अपने एक्स के साथ में पुनः वो वापसी कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके लिए ये थोड़ी स्थिति खराब है। ये बुध के केवल और केवल परिवर्तन से जानकारी आपको दे रहे हैं, या आपको धोखा ना भी दें लेकिन ये धोखा ही हो गया कि आपसे बिना बताए वो किसी और से बात कर रहे हैं, आपको समय कम देंगे, अब आपको इग्नोर करेंगे और आपसे कहेंगे कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस मांगेंगे, और वो स्पेस के पीछे का रीजन क्या होगा वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। लव लाइफ में पढ़ाई को लेकर के बहुत मेहनत करेंगे, शिक्षा में बहुत उन्नति करेंगे, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन यहां पर दो चीज़ों में एक ही चीज़ मिलती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा, पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं है तो पढ़ाई अच्छी होगी, और रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, केवल और केवल रिलेशनशिप अच्छा होगा आपका, पढ़ाई में आप कहीं ना कहीं दिक्कत में परेशानियों में पड़ते हुए नजर आएंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन लाभ होगा और बिजनेस में भी अधिक लाभ होगा, आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी, और सबसे अधिक मात्रा में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल बनेगा, ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होने वाले हैं, कोई भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिल सकता है, अगर राजनीति के क्षेत्र में वहाँ पर उच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस काफ़ी ग्रो करने वाला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी कंपनी को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी स्थिति में आप जा सकते हैं, किसी कंपनी को आप बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, अपनी कंपनी को या अपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका कद बढ़ सकता है, आपका पद बढ़ सकता है, बहुत स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके धन लाभ की स्थितियाँ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना, अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखना और अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत जो आप करेंगे उसका फल आपको अधिक से अधिक मिलेगा, यानी कि आप किसी मेहनत को कर रहे थे और उसमें आपको कोई भी फल नहीं मिल पा रहा था, मेहनत आपने बहुत समय पहले की थी, फल अब मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लव लाइफ में आपके पार्टनर का विश्वास आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपके लिए स्थितियां लव लाइफ की काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, सच्चा प्यार करने वाले लोगों के लिए लव मैरिज को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, या कोई शादी को लेकर कोई कमिटमेंट मिल सकता है, अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो उसे जिम्मेदारी को पकड़ लीजिएगा और उसे पूरे पूरे आदर्श के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाइएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके करियर के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन चार चांद लगा देगा, मार्केटिंग क्षेत्र में आप हर प्रकार से एक अच्छा भविष्य आपका बनने वाला है, इस गोचर काल में आपको बहुत सारे नए नए अवसर मिलने वाले हैं, और बिजनेस में अवसर बहुत मायने रखते हैं, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अचानक से धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, परिवार से मनमुटाव समाप्त होगा, शेयर मार्केट में धन लाभ हो सकता है और शेयर मार्केट में डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है, कुछ सपने पूरे हो सकते हैं और कोई बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, कुछ ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई, और आपके लिए एक बहुत अच्छा योग ये भी है कि आपके धन की वृद्धि होने वाली है, जिसमें अधिक मात्रा में आप अगर किसी को कर्ज इत्यादि दे रखे थे तो वो एक साथ आपका रिकवर होने वाला है, जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलने वाला है, ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, करियर ऊंचाइयां पकड़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी लोग कद्र करेंगे, आपके टैलेंट की कद्र करेंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी,
आपके करियर में लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता के क्षेत्र से, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप किसी भी प्रकार से वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें आपको बहुत धन लाभ होने वाला है, बहुत अधिक मात्रा में लाभ होने वाला है। यूट्यूबर हैं आप, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, या आप इंटरनेट की दुनिया से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हैं, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से संबंधित कार्य करता है, आपका बिजनेस ऑनलाइन अगर आपका है, या किसी प्रकार से ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं, तो आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है ये गोचर। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। अपने ईगो को घमंड में बहुत ज़्यादा परिवर्तित मत होने दीजिएगा, स्वाभिमान को घमंड अभिमान मत बनने दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी स्थितियां ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो सबसे स्थितियां खास बन रही हैं, क्योंकि आपको अधिक मात्रा में आपके सपोर्टर होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, खास करके राजनीति के क्षेत्र में, वहां पर अधिक मात्रा में आपके अनुयायी, आपको आपके समर्थक बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार और आपकी तरक्की आप देखेंगे। इस गोचर काल में आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और आपको खर्च करना पड़ सकता है, बहुत सारे खर्चे होंगे, लेकिन आय के स्रोत भी बढ़ते जाएंगे, इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी, आपके करियर में कुछ बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आप कर्ज इत्यादि से परेशान हैं, कर्ज निवृत्त आप हो सकते हैं, कर्ज चुका सकते हैं, कोई पैसा रिकवर हो सकता है आपका, और स्वास्थ्य इत्यादि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई स्किन इन्फेक्शन इत्यादि चल रहा था, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन रिलेशनशिप में गलतफहमियों का शिकार होना पड़ सकता है, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थिति बहुत हद तक पक्ष में आएगी, धन लाभ होगा, लव लाइफ बेहतर रहेगी। लव लाइफ में आपको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस गोचर काल में अपने बच्चापन जो बहुत ज़्यादा होगा, बचपना जो है, उस चीज़ को निकाल करके सीरियसली आप कोई डिसीजन लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, लव लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन भी रहेगी, तो चीज़ों को थोड़ा संभालिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, और अपने एक्स के बारे में अपने पार्टनर से भूल से भी मत बोलिएगा, नहीं तो ये रिश्ता आपका खत्म हो सकता है, बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई की स्थिति, शिक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, और आपके लिए धन लाभ की स्थिति बराबर बनी हुई रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, कार्य का प्रेशर आपके अधिकारियों को, सरकारी क्षेत्र में इंटरव्यू इत्यादि, अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास है, करियर बनाना चाहते हैं, करियर आपका बहुत उज्ज्वल भविष्य पकड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर प्रकार से आपके सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, आपका प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा बनता है, इंटरव्यू में सफलता के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, और ख़ास करके बिजनेस में, मार्केटिंग से संबंधित करियर है, मार्केटिंग फील्ड में है, बहुत अच्छा आप काम करने वाले हैं, और आपके अधिकारी, आपके बॉस आपसे बहुत खुश होने वाले हैं, जिससे आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कोई नया वाहन ले सकते हैं, या कोई मकान इत्यादि की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, मकान प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, फ्लैट इत्यादि परचेस कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए स्थिति प्रमोशन की, ट्रांसफर की बन रही है। आपके लिए संगीतकार हैं, संगीत से संबंधित कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको धन लाभ हो सकता है, और आपकी मेहनत का फल, कोई रुकी हुई मेहनत का फल मिल सकता है, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आपके लिए स्थिति तो अच्छी है, लेकिन लव लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और हो सकता है ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, शेयर मार्केट में धन लाभ होगा, और आपके कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है आपका, जिससे आपको अधिक मात्रा में धन लाभ हो। कोई अगर सरकारी अड़चन आई है किसी कार्य में, बिजनेस में, या किसी काम में, तो वो हट जाएगी। विदेश यात्रा हो सकती है, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पारिवारिक मतभेद, या परिवार में कोई मनमुटाव, या पारिवारिक का कोई झगड़ा, कोई जमीनी विवाद इत्यादि चल रहा है, तो उससे आपको राहत मिलेगी। आपके लिए कोई मकान इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, ये भी स्थिति है, और आपके लिए अधिक मात्रा में लव लाइफ में भी कुछ छुपा हुआ
सामने आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है छुपा हुआ प्यार वापस मिले, या आपके पार्टनर आपसे प्यार छुपाते हैं तो वो अब आपको प्यार लुटाएं, लेकिन फिजिकल बातें भी बहुत ज़्यादा करेंगे, उससे आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं, धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई नई जॉब लग सकती है, जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, कोई मकान वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं और बेहतरीन आपके लिए स्थिति बनेगी। खास करके देखा जाए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैरिड लाइफ में अगर स्थिति खराब हो तो अपने मैरिड लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा और पार्टनर की बातों में हाँ हमें हाँ मिलाइएगा, उनकी केयर कीजिएगा, उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। बचपने वाली बातें या बहुत ज़्यादा एक ना समझी वाली बातें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों यह था आपका, यह बुध का राशि परिवर्तन, बुध के राशि परिवर्तन से 12 राशियों का राशिफल। अगर आपको यह गोचर फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।